सो ही देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले पोकेमॉन के लेजेंड आर्सिस के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। एंड यार सच में एपिसोड तो सच में काफ़ी ज़्यादा औसम है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो यार आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन लेजेंड आर्सिस का एपिसोड नंबर 2। सो होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। एंड यार एपिसोड में सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली, तो एंड तक देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं करा तो। एंड या विदाउट एनी मोर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली लेजेंड आर्सिस को कंटिन्यू करते करते एपिसोड नंबर 2 आ जाता है, जहाँ पर एश एंड गुक ट्रैवल कर रहे हैं हमारे डॉन के साथ। एंड वहाँ पर ही वो एक स्ट्रेंज सी जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पर पोकेमॉन्स की फाइट हो रही होती है एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज एक्ट करने लगते हैं। एंड जिसके बाद हमें देखा जाता है कि एक पोकेमॉन को चोट लग चुकी है, जिसके बाद एजेल, फ्यूक्सिस और मैस्पिरिट पोकेमॉन अपीयर हो जाते हैं, जो कि एश, गो एंड डॉन को एक स्पिरिट दिखाते हैं जिसमें आर्सिस होता है। वो बेसिकली एक आर्सिस की स्पिरिट होती है, जो कि यूक्सिस मैस्पिरिट ऑफ एजेल दिखाते हैं एश, गो एंड डॉन। एंड उसके बाद एपिसोड आगे कंटिन्यू होता है, जहां पर एस आरसीएस वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में एश जो अपने गो को बताता है कि पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है, जिसमें टीम गैलेक्टिक ने एक पोर्टल खोल दिया था दूसरे डायमेंशन का, जहां पर डियाल्गो और पांडिका की बैटल हुई थी, जिसके बाद गो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद टीम डिसाइड करती है कि हम इन जख्मी पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर ले जाएंगे। वेल एपिसोड कंटिन्यू हो रहा था एंड हमें उसके बाद टीम गैलेक्टिक देखने को मिलती है, जो कि एक रिसर्च कर रही होती है एंड वो हिटरेन पोकेमॉन को अपना पावर सोर्स की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक पोर्टल खोलना होता है जिससे वो प्रोबेबली अपने बॉस को वापस ला सकें, ऐसा हो सकता है। एंड उसके बाद उनका रियल इंटेंशन किसी को भी पता नहीं चलता। उसके बाद टीम गैलेक्टिक का एक मेंबर अपने बॉस को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुमने काफ़ी सारे ओल्ड एपिसोड में देखा होगा, जो कि पुराना टीम गैलेक्टिक का लीडर था एंड जो कि उसी पोर्टल में वापस चले गया था, ऐसा तुमने एपिसोड में देखा होगा सीन ओरिजन के। वेल एपिसोड आगे कंटिन्यू होता है, उन्हें कुछ ओल्ड मेमोरीज गो को बताता है, जहां पर डियाल्गो और पालका की वजह से एक नया पोर्टल खुल जाता है। इसके बाद हमें टीम गैलेक्टिक का हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है, जो कि एक माउंटेन पे होता है। फिर हमें अगले सीन में पोकेमॉन सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ पर एश, डॉन और गो आ चुके हैं पोकेमॉन को हील करने के लिए एंड वहाँ पर उनको एक ट्रेनर मिलता है, जो कि उन तीनों को बुलाता है। एंड जैसे ही हमें अगला सीन देखने को मिलता है, सीन स्प्लिट में हमें देखने को मिलता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं अपना ब्रॉक है एंड वो बताता है कि जो उसका पोकेमॉन था वो अभी ब्लिसी में इवॉल्व हो चुका है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अगले सीन में ब्रॉक उनको एक स्पेसशिप में बैठा के तीनों को ले जाता है उसी माउंटेन की तरफ, क्योंकि उनको रिसर्च करनी थी। एंड ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है कि ऐसे एपिसोड में हमें स्पेसशिप देखने को मिल रही है, जो कि एनिमेशन को सच में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। वहीं टीम गैलेक्टिक रे आसमान पे मारती है, जिसकी वजह से एक नया पोर्टल खुलने वाला होता है। उसके बाद अगले सीन में हमें टीम गैलेक्टिक का हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है, जहाँ पर वो हीटरेन पोकेमॉन को यूज़ कर रहे होते हैं उस पोर्टल को चार्ज करने में, बट किसी ना किसी एक रीज़न से हीटरेन की पावर ओवरचार्ज हो जाता है एंड वो हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो चुका है एंड जो पोर्टल वो लोग खोल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाता है। ये सब एश, गो एंड उनकी टीम देख रहे होते हैं। उसके बाद जो हीटरेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रोल खो देता है एंड वो अपने ट्रेनर पर हमला करने लगता है। उनका ट्रेनर उसको पकड़ने की फिर से ट्राई करता है बट वो कामयाब नहीं हो पाता है। इसके बाद जो हीटरेन है वो आर्सिस प्लेट की तरफ बढ़ता है एंड जैसे वो आर्सिस प्लेट अपने में एब्जॉर्ब करता है, वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर जैसा एक बन जाता है, वो जाइंट हीटरेन बन जाता है, जो कि रे फिर से आसमान पर फेंकता है। इस बार पोर्टल हमें ओपन देखने को मिल जाता है, जो कि पोर्टल खुलने वाला था। अगले सीन में हमें एश, गो और डॉन और जो ब्रॉक है अपने स्पेसशिप में देखने को मिलते हैं, जो कि ये सब देख रहे थे एंड टीम गैलेक्टिक भी वहाँ से चली जाती है। वेल अगेन सीन स्प्लिट होता है एंड यहाँ पर हमें एश का सीन देखने को मिलता है, जो कि उस हीटरेन पोकेमॉन के पीछे एंड उन्हें पोर्टल में पहले आगे पहुँचना था, इसलिए आगे चले जाते हैं पहाड़ी पर एंड वहाँ पर उन्हें टीम गैलेक्टिक मिल जाती है, जो कि 3v3 उनको बैटल के लिए चैलेंज करती है एंड वहाँ पर 3v3 बैटल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आर्सिस का एक सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर आर्सिस हमें देखने को मिलता है एंड मैस्पिरिट, एजेल और हमें यूक्सिस देखने को मिलते हैं, जो तीनों आर्सिस के पास होते हैं। वो तीनों उस पोकेमॉन को रोकने का ट्राई करते हैं बट ऐसा नहीं हो पाता एंड वो पोकेमॉन सच में काफ़ी ज़्यादा जाइंट था। अब क्या वो तीनों उस पोकेमॉन को रोक पाएंगे ये तो हमें अगले एपिसोड में देखने को पता चलेगा। एंड या अगला एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।